की, जो कि इंडिया की बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लॉन्च करने वाली है अपनी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वेरिएंट। इस गाड़ी का कोड नेम रखा गया है Y17 और इस गाड़ी का ओरिजिनल नाम होगा ग्रैंड विटारा XL। गाड़ी में काफी ज्यादा मेजर अपडेट आ रहा है। अब इस गाड़ी में आपको 7 सीटर फॉर्मेट देखने मिल जाएगा, एडास देखने मिल जाएगा, न्यू 18 इंच के डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स देखने मिल जाएगा और इंटीरियर में भी अच्छा अपडेट मिलेगा। इस गाड़ी का राइवल होगा Hyundai अल्काज़ार और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां। गाड़ी के लॉन्च की बात करूं तो गाड़ी का लॉन्च होगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 12 लाख रुपए से और टॉप एंड मॉडल जाएगा इस गाड़ी का 18 लाख रुपए। प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पे आ रही है जिस पे आपकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा आती है। अब चलते सीधे लुक्स की। गाड़ी के लुक में फ्रंट में हल्का फुल्का चेंज आएगा। आपको न्यू ब्लैक आउट ग्रिल देखने मिलेगी जिसके ऊपर रहेगी आप मारुति सुजुकी की बैजिंग और साथ में क्रोम लाइटिंग। 3 डायमंड स्टाइल LED हेडलैम्प देखने मिल जाएंगे और नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने मिलेंगे। वहीं गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग में बात करूं, जहां सबसे ज्यादा चेंज आने वाला है, आपको स्क्वायर शेप व्हील आर्चेस देखने मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको 18 इंच के न्यू डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे। वहीं गाड़ी के ऊपर की तरफ बात करूं तो आपको बढ़िया रूफ रेल्स देखने मिल रही है और एक इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ देखने मिल रहा है। गाड़ी में पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिल रहा है, ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि न्यू किया सेल्टोस में आपको सारी चीजें दी जा रही है। गाड़ी के नेक्स्ट चीज की बात करूं तो वो रहेगा इस गाड़ी का बैक साइड। बैक साइड में आपको देखने मिल जाएगा आपकी मैट्रिक्स स्टाइल की टेल लैंप, ऊपर की तरफ शार्क फिन रेटिना, नीचे की तरफ बफ्ड अप बम्पर सिल्वर एक्सेंट। गाड़ी में स्ट्रिप LED लाइटिंग तो आपको पहले भी देखने मिलती थी और अभी भी देखने मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा शानदार लगती है। तो ऑल ओवर इस गाड़ी का लुक्स काफी ज्यादा सही है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको काफी ज्यादा शानदार चीजें मिल रही हैं। सबसे बड़ा अपडेट आएगा इस गाड़ी में आपका 10.25 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें रहेगा आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और GPS नेविगेशन सिस्टम मारुति सुजुकी की तरफ से। गाड़ी में आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने मिलेगा, एक 7 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको इंटीरियर में आप वेंटिलेटेड सीट्स भी देखने मिलेंगी जो कि आपको पहले नजर नहीं आती थी। कूल्ड ग्लव डॉक्स देखेगा, वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने मिल जाएगा। सो इंटीरियर में ऑल ओवर एज अ टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अपडेट है। अब चलें इस गाड़ी के लुक्स के बारे में इंटीरियर की तरफ से। तो इंटीरियर फॉर्मेट आपको 2 कलर फॉर्मेट में देखने मिलेगा, एक बेज कलर, दूसरा ब्लैक कलर। गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वुडन फिनिश मिलेगी। जैसे कि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मारुति सुजुकी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है अपनी बाकी गाड़ियों से, तो गाड़ियों में भी जो आपको दूसरी जगह दिखता था वैसे ही आपको इस गाड़ी में भी दिखेगा। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल के बारे में। इंजन प्रोफाइल में आपको एक से एक चीज़ें देखने मिलेंगी, साथ ही साथ हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी देखने मिल जाए। पहला रहेगा आपका PS6 मॉडल का 1.5 लीटर TNGA आर्किंसा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है पावर अप के 115 BHP के साथ ही साथ 141 Nm का टॉर्क। इसकी पेयरिंग होगी आपके एक 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और एक 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। एक और इंजन मिलेगा आपको जो कि रहेगा आपका PS6 मॉडल का 1.5 लीटर K15C माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो कि 103 BHP की पावर बना रहा है, साथ ही साथ 137 Nm का टॉर्क बना के दे रहा है। इसकी बेयरिंग भी आपकी एक 6-स्पीड मैनुअल और एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ होगी। बताया जा रहा है जो आपको हाइब्रिड वेरियंट है वो तकरीबन आपको 26 से 28 KMPL का एवरेज दे देगा, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा शांत। अब चलते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी प्रोफाइल की तरफ। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी प्रोफाइल में काफ़ी सारे अपडेट्स आने वाले हैं। मारुति सुजुकी जो कि अपनी सेफ्टी के लिए मशहूर नहीं है, बट इस गाड़ी में आपको कई सारे न्यू अपडेट्स देखने मिल रहे हैं। वन ऑफ द मेजर अपडेट आपको इस गाड़ी में देखने मिलेगा 6 एयरबैग ऑन अ स्टैंडर्ड डैश है। गाइस अगर आप इस गाड़ी का बेस मॉडल भी लेंगे ना तो भी आपको अब इस गाड़ी में 6 एयरबैग देखने मिले। साथ ही साथ इस गाड़ी में अब आपको एडास जैसी शानदार चीज़ें देखने मिल रही हैं, जो कि है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, जो आपको और आपकी फैमिली को इन केस ऑफ एक्सीडेंट बचाएगा। अब इस चीज़ के अंदर भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि लेन असिस्ट, लेन चेंजिंग असिस्ट, इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग हो जाएगा आपका, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, बैक कोलिजन वार्निंग, बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, बट इन सब चीज़ों के कारण एक डिसएडवांटेज होता है, गाड़ी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मारुति सुजुकी जो कि अपनी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती है, जो कि थोड़े से लोअर लेवल की गाड़ी है और एक इंडियन इंसान के लिए अफोर्डेबल है, इसके कारण ये गाड़ियों की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट स्टिल ऑल ओवर मैं मानूंगा ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। देखा जाए तो जैसे कि Hyundai ने अपना क्रेटा का रीबैजिंग वेरियंट निकाला था अल्काज़ार, सेम ये भी वही गाड़ी है। इस गाड़ी में भी वैसे फीचर्स दे दिए गए हैं,
ऑल ओवर गाड़ी एक्सटीरियर में सेम ही रखी गई है, सिर्फ अलॉय व्हील्स के साइज बदले गए हैं और आपको इंटीरियर में हल्का फुल्का अपडेट मिला है।